किचन में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ओरियो शेक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए मैं फटाफट आपको बना के दिखाती हूँ ओरियो शेक। ओरियो शेक के लिए मैंने लिया है शुगर, आइस, मिल्क, चोको चिप्स, हर्सीज का चॉकलेट सिरप, पर्क चॉकलेट, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। मैं सिंपल आपको बना के दिखा रही हूँ पर्क चॉकलेट और ओरियो बिस्किट। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक जार लेना है। जार में मुझे ये मैंने बिस्किट, ओरियो बिस्किट निकाल के रखे हैं, इनको मैं एक एक करके क्रीम सहित इसमें डाल के अच्छे से पाउडर बना लूँगी। एकदम फाइन पाउडर बनाना है आपको। मैं दो ग्लास ओरियो शेक के लिए मैंने 5 बिस्किट लिए हैं। तो चलिए ब्लेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है, ये देखिए एकदम फाइन पाउडर मैंने बना के रेडी किया है। अब क्या करना है मुझे, ये जो मैंने पाउडर बनाया इसमें से 1 स्पून पाउडर मैं थोड़ा सा निकाल के अलग रख दूंगी गार्निश के लिए। अब अभी मुझे क्या करना है, मैंने आइस जो लिए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी, शुगर, टू स्पून शुगर है और 1 ग्लास मैंने मिल्क लिया है जो कि एकदम चिल्ड है, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, अभी ये मैंने ओरियो बिस्किट का जो पाउडर बना के रखा है मैं इसको इसमें डाल दूंगी। मैंने ओरियो बिस्किट का पाउडर डाल दिया है, अभी मैं थोड़ा सा हर्सीज चॉकलेट सिरप भी इसमें डालूंगी। अभी मुझे इसको ब्लेंड करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा ओरियो शेक बन के एकदम रेडी है। चलिए इसको ग्लास में निकालती हूँ। फ्रेंड्स ये ग्लास मैंने चॉकलेट सिरप से ऐसे डेकोरेट कर दिया है, अभी मुझे इसमें ओरियो शेक डालना है। ये मैंने ओरियो शेक डाल दिया। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए बन रहा है तो आइसक्रीम तो डालना बनता है, तो मैं इसमें 1 स्पून आइसक्रीम भी डालूंगी। अभी क्या करना है, ये जो मैंने थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का पाउडर थोड़ा सा बचा के रखा था मैं इससे गार्निश कर दूंगी। ये देखिए मैं ओरियो बिस्किट से अच्छे से गार्निश करूंगी। अभी क्या करना है, ये मेरे पास थोड़े से चॉको चिप्स हैं मैं इनको भी डालूंगी और ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। फ्रेंड्स ओरियो शेक बन के रेडी है, ये देखिए कैसा लगा आपको।
अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।